नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का सवाल है क्वेश्चन से इज द इंटरफ्रेंस पैटर्न इज ऑप्टेन्ड विर एंड लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशो एन सवाल है कि इन द इंटरफेंस पैटर्न द रेशो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मिनिमम विल बी और अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं नाओ ये थोड़ा सा सवाल जो है मैथमेटिकल मैनिपुलेशन पे जाएगा नाइन टेन में जो हमने मैथ सीखी है उसका यहाँ इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा तो हमसे जो पूछा है हमें ये गिवन है कि i1 वन डिवाइड बाई आई की वैल्यू n है और हमसे यहाँ पे पूछा i मैक्सिमम मैक्सिमम माइनस i मिनिमम डिवाइडेड बाय i मैक्सिमम माइनस uh, i मिनिमम इसका रेशो क्या होगा ना uh, इसको अगर हम दोनों को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आई मिनिमम से डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम माइनस वन डिवाइडेड बाय आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम प्लस वन सॉरी ऊपर ऑलाइट इस वाले में जो मैं पूछा है ऊपर माइनस नीचे प्लस है ऑलाइट right, प्लस तो नीचे भी प्लस आ गया सो so, अगर हम आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट uh, कर दें तो अपने को uh, आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा भले ही सो ये अगर आपकी आई वन आई टू का रेशो है तो हमें बात पता है कि आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम जिस जो हम बात करते हैं वो आता है अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर ना इसको अगर हम फिर पकड़ के अंडर रूट ऑफ आई वन से डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ आई वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आई टू माइनस वन सॉरी ऊपर प्लस वन आएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आई वन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आई टू माइनस वन ना आई वन आई टू का जो रेशो है वो अपने को दिया हुआ है एन uh, तो इसकी अच्छा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू हो गई uh, अपने इसकी अंडर रूट ऑफ एन अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर ये आपकी आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यू होगी जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको हमें यहाँ पे एक बार फिर इंसर्ट करना है सो so, इसको जब हम एक्सपेंड uh, करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इसको यहाँ कर लेते हैं इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये होएगी ऊपर और नीचे दोनों पे हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये होएगा अंडर रूट एन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अंडर रूट एन तो ऊपर बनेगा एन प्लस वन प्लस टू रूट एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस टू रूट एन ये आपकी आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यू हुई इसको अब हम यहाँ इंसर्ट करने वाले हैं तो यहाँ जब इसको इंसर्ट करेंगे जो अपना डिज़ायर्ड रेशो है आ, उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा दिस इस, इसको आपने लिखा एन प्लस वन प्लस टू रूट एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस टू रूट एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस टू रूट एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस टू रूट एन नीचे आ गया प्लस वन ये आपकी वैल्यू हो गई अगेन देखने में थोड़ा सा मैथमेटिकल घिसने वाला सवाल है पर ऐसा कोई मुश्किल काम है नहीं इस पर अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू बचेगी एन प्लस वन प्लस टू रूट एन माइनस करेंगे माइनस एन माइनस वन प्लस टू रूट एन डिवाइडेड बाय हाँ इसको भी यहाँ लिख लेते हैं ये आएगा एन प्लस वन प्लस टू रूट एन उसके बाद ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा प्लस एन प्लस वन माइनस टू रूट एन बस फाइनल आंसर आ गया है यहाँ से एन वन एन वन कैंसिल हो जाएगा ऊपर बचा फोर रूट एन ये बचा फोर रूट एन नीचे आपका टू रूट एन टू रूट एन कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू एन प्लस वन सो so, अपना फाइनल आंसर हो गया टू अंडर रूट एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन ये अपना फाइनल आंसर है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर